अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? मिर्ज़ा अकमल पाशा है। बिल्कुल सही। एक खबर सामने आ रही है, मलेशिया जो कि एक मुस्लिम कंट्री है जी। वो बोल रहा है कि बहुत शुक्रिया भारत, आप लोग हमारे असल भाई हो, क्योंकि आप लोगों ने हमें 1,70,000 टन चावल के दिए हैं। ये सिर्फ इंसानियत देख रहे हैं, हमारे भारत में इंसानियत है भाई। मेरे साथ काम करते रहे हिंदू, वो हम लोगों से अच्छे हैं। बाई गॉड यू बिलीव, हम लोगों से अच्छे हैं वो। आई ट्रस्ट यू, उनमें कोई झूठ नहीं। ये आप किसी दुकानदार के पास चले जो मिलावट सब कुछ। एक मिसाल दीजिए, आपने इतना अरसा उनके साथ काम किया तो कोई एक मिसाल दीजिए, थोड़ा सा इधर हो जाए। कोई ऐसी वो दो नंबर चीज नहीं देखी, दो नंबर चीज मैंने उनमें नहीं देखी। वो जैसे हम में है ना मुनाफ़त बड़ी भरी हुई, उनमें नहीं है। जो जबान पे है वही दिल में है। अच्छे बुरे तो हर जगह होते हैं, इधर सब यही है। क्या कोई वाकया हुआ था वहाँ पर? क्या कोई मसला हुआ था वहाँ पर? मैं बोलता हूँ मेरे साथ जॉब करते रहे हैं, मैं गवर्नमेंट एम्प्लॉइज था उधर, मुसलमानों से ज्यादा। अभी ये दुबई है, ये ज्यादा इंडियन को पसंद कर रहा है। अभी ये कराची नज़दीक है, इधर से क्यों नहीं ट्रेन बना रहे? वो दुबई से बॉम्बे बना रहे हैं इतनी लंबी। उनको मालूम है ना कि इनसे तो हमको फायदा, इनसे ये अपने मुल्क अपने अवाम को फायदा नहीं दे सकते, हमको क्या फायदा देंगे? आपने बोला है कि उनमें ज्यादा ईमानदारी है, तो जाहिर है वो हिंदू थे तो वो इंडिया से होंगे, ठीक है? तो क्या इंडियंस वहाँ पर किस क्या क्या उनका देखा कि मैंने पीछे उनसे कोई बुराई नहीं देखी किसी की। जैसे कि दुबई पाकिस्तानियों को बुरा समझता है, ये लोग वहाँ पर जाकर ड्रग सेलिंग करते हैं, भीख मांगते हैं, सऊदीया में करते हैं, तो क्या इंडियन भी वहाँ पर ऐसा? ना ना ना, कोई भी नहीं, नथिंग, कोई भी आपको नहीं मिलेगा। हाँ अगर वो ऐसा होगा तो अपना भी मिलने जुलने वाले के पास चला जाएगा, प्लीज ये मेरे को प्रॉब्लम है, मेरी हेल्प कर दो। इतना डिफरेंस कैसे है? हालांकि हम भी तो पहले उन्हीं के साथ ही रहते थे। हम ये हैं कि अभी जो हालात है, हम सुबह उठे तो लाखों लाख पति हुए हैं, करोड़ों में हमें मिले, उनमें नहीं है। देखो स्टेप बाय स्टेप आदमी ऊपर जाता है ना, वो मेहनत करते हैं। आज आप यकीन करें सऊदी इतनी है उनकी कि आप सोच भी नहीं सकते। एक टॉयलेट में काम करने वाला हाउस कीपिंग, इतनी उसकी हाई इंग्लिश है कि बता नहीं सकता। इंडिया की आपने खुद मतलब आप तो साथ रहे हैं तो आपका खुद का एक्सपीरियंस हुआ होगा। बिल्कुल खुद का जी, मैं किसी के पे क्यों बिलीव करूं? अभी नेपाल है, दुनिया का सबसे छोटा मुल्क है, एक रुपया कर्जा नहीं है उस पर। नेपाल की भी मदद भारत ने की अभी, वो हेल्प करनी और बात है। जब किसी को आप ये उंगली पकड़ा सिखा दोगे ना तो ख़त्म है, उसको आदत पड़ जाएगी। हेल्प और चीज़ है, जब किसी को उधार दे दोगे या अल्लाह के नाम पे दोगे तो उसको आदत पड़ जाएगी कि मेरी तो गुजारा हो रहा है, मेरा सब कुछ। तो इसलिए आप यकीन करें सऊदीया ने प्रेफरेंस के वीजाज रखे हैं भारतीयों के लिए, दुबई ने रखे हुए भारतीयों के लिए, अमेरिका ने रखे हुए भारतीयों के लिए, इसराइलियों ने रखे हुए। दुबई के 3 दिन हुए, दुबई का वीज़ा बंद हो गया ना सिर्फ इनकी वजह से। अभी आप रोड पर चले जाएँ, कोई वाकफ नहीं है, प्लीज़ ये मैं आया था, मेरा पासपोर्ट गुम हो गया, मेरे को वकील वो कफील नहीं मिल रहा, मेरी कुछ हेल्प कर दो। आदमी देखो अगर मेरे को कोई मिला कितनी हेल्प कर दूंगा, 5 नहीं तो 10 दे दूंगा। एक दफ़ा उसको मिला उसको आदत पड़ गई। अभी ये कितना फकीर खड़ा है, मैं किसी को 1 रुपया नहीं देता। ये डिजर्विंग नहीं है, मैं खुद मानती हूँ। अब देखे ना हाथ पाँव सारे सलामत है। अभी आप इनका ये लाहौर के हर चौक पे चले जाओ, आपको मांगने वाले मिलेंगे। अच्छा। और सुबह कभी 5 बजे देखो जो गाड़ियों पे इनको छोड़ के जाते हैं। बिल्कुल सही बात है, 100%। तो ये इसका ये हमारा काम है देखना सब कुछ। तो फिर क्या सही कहते हैं कि ये लोग बाहर आते ही मांगने आते हैं? सही बोल रहा हूँ मैं आपसे, इसमें कोई शक नहीं। मुझे बताएं अभी तक किसी मुस्लिम कंट्री ने हमें क्यों नहीं बोला थैंक यू पाकिस्तान, यू आर अवर ब्रदर? ये दिल से उनको मालूम है ना कि इनके दिल साफ नहीं है हमारे। हाँ अपने बहन भाइयों के साथ साफ नहीं है, माँ बाप के साथ। तुर्की में जलजला आया था ना तो उन्होंने हमारा सामान वापस भिजवा दिया था। उनको मालूम था ना कि ये जो पिछली दफा जलजला आया था उन्होंने कहीं रखा हुआ था तो वो उन्होंने उधर भेज दिया। ऐसे ही है ना, करना चाहिए था वैसे ऐसा। ऐसे तो नहीं करना चाहिए था। देखो कोई भी मुल्क चीज देता है ना, अफगानिस्तान की भी हमने मदद नहीं की थी जब अभी उन पर क्राइसिस आए थे तो भारत ने उनको कैंप्स भिजवाए थे। 500 मेगा प्रोजेक्ट्स हैं भारत के वहाँ पर। बिल्कुल सही बात है, तो क्यों कबूल करे? वो पुराना सामान उठा के दे देते हैं उनको, क्यों कोई कबूल करे? अगर आपने हेल्प करनी तो हुकूमती लेवल पे सामान
इकट्ठा करो और भेजो, और जो पुराना उन्होंने स्टॉक किया होता है वो भेज देते हैं। ये सब चीज़ें देखनी चाहिए हमें। कौन दे, हम तो नहीं देखेंगे, ये हुकूमत का काम है, हमारा काम है। आवाम को तो बेचारी को खाने के पाले पड़े हुए हैं। आप यकीन मानेंगे 30 साल में सिर्फ उधर अगर कीमत बढ़ती है ना, ये रमज़ान में भारत में इंडिया में दुबई में पाकिस्तानी मुस्लिम और बंगाली मुस्लिम बढ़ाते हैं, इंडिया नहीं बढ़ाएगा। यू बिलीव मी, ठीक है, आई बिलीव यू, आई ट्रस्ट यू। इंडिया नहीं बढ़ाएगा, पाकिस्तानी और इंडिया बंगाली बढ़ाएगा, इंडियन क्यों नहीं बढ़ाएगा? असल में उधर हिंदू मुस्लिम का मसला आ जाता है ना। समझी नहीं। हिंदू मुस्लिम का मसला आ जाता है ना, तो वहाँ पर भी ये कोई रेट इतने हाई नहीं होते इंडिया में। अभी आप इधर से बॉर्डर क्रॉस करें, 30 किलो आटा है, 30 रुपये किलो आटा है, और इधर क्या किलो है? वो अपनी आवाम के लिए इतना सोचते हैं, तो हम क्यों नहीं सोचते? ईमानदारी उनमें, ईमानदारी है। बांग्लादेश में भी ईमानदारी नहीं है। बांग्लादेश भी जहाँ उनका दाव लगता है, वो कहते हैं इंग्लिश की दी पंजाबी का दाज इधर लगता लगा, उनका भी जहाँ दाव लगता, और बंगाली भी मांगते हैं। तो आपकी नज़र में सिर्फ ईमानदार इंडियन है? मैं ईमानदारी की बात नहीं कर रहा हूँ, ये बिजनेस में तो सब प्रॉफिट लेते हैं, मगर फूल की बात, फूल की बात कर रहा हूँ मैं। तभी वो आज हमसे आगे है, तभी उनकी सबसे बनती है। मैं बोलता हूँ कि आप इंडिया का केरला का डॉक्टर है, मद्रास का, उसका वर्ल्ड में नाम है। मैं उधर दुबई में कभी पाकिस्तानी डॉक्टर के पास नहीं गया, मैं मद्रासी डॉक्टर के पास जाता था। आप यकीन मानो कि मेरे को एक खुराक या दो खुराक खा के मैं सही हो जाता था। इसमें क्या करूँ मैं? आई एम स्पीचलेस। अभी ये मेरी इधर सर्जरी थी हुई, उधर मैं दुबई से मद्रासी डॉक्टर से करवाई, पाकिस्तानी मेरे को बोलते थे ये वो, मैं बोला नहीं, आई नॉट इंटरेस्ट यू। उसने मेरे को इधर ये कैमरा डाल के पूरी सर्जरी की है, पर सब प्लास्टिक की मेरे पड़ी हुई है, और कोई उधर ऐसा सिस्टम नहीं। हालांकि इंश्योरेंस था जो एक मुनासिब रेट था, मेरा तो 1 रुपया भी नहीं लगा। अच्छा, फ्री में की उसने? नहीं नहीं, वो गवर्नमेंट ने पे किया ना, दुबई गवर्नमेंट ने, मेरी कंपनी ने। तो यहाँ पर आदमी किसी इधर किसी डॉक्टर के पास चले जाओ, वहाँ पर आप एक डॉक्टर के पास गए हैं ना, तो आपको 7 दिन वो फ्री देखेगा, बिल्कुल फ्री, कोई पैसा नहीं। मैं आपकी बातें सुन के बहुत हैरान हो रही हूँ। आपने केरला के डॉक्टर की बात की है, कौन है वो? और मद्रास। और इधर आप डॉक्टर के पास आज गए हैं? वही में है केरला और मद्रास? नहीं, इंडिया में है ना केरला और मद्रास। केरला में डॉक्टर कौन सा? नहीं, दुबई में ये डॉक्टर हैं मद्रास के और केरला के। और इधर आप आज गए हैं 4000, कल गए हैं 3000, तीसरे दिन गए हैं 3000। अभी सब कुछ तो डॉक्टर को दे दिया, क्या करेगा आदमी? MRI होती है, और अगर सही नहीं हुई तो 10 बार भी वो सही नहीं हुई तो 10 बार करेंगे। डॉक्टर को थैंक यू बोलना चाहेंगे? तो मैं तो बोलता ही थैंक यू उनको, ये मेरे लेंस पड़े आँखों में। भारत के डॉक्टर को थैंक यू बोलते हैं? हाँ बिल्कुल बोलता हूँ, ये मेरे लेंस पड़े हैं, मुझे आपके मसाम भी नज़र आ रहे हैं। किसने डाले हैं लेंस? ये इंडियन डॉक्टर था, डॉक्टर कुलदीप, NMC हॉस्पिटल में। इधर हम किस पर इंटरेस्ट करें बताएं मेरे को? अल्लाह ही हाफज है हमारे मुल्क का। आपने खुद बताया कि उनमें और हम में कितना डिफरेंस है। जमीन आसमान का, कितना नहीं, जमीन आसमान का, 1 और 200 का फर्क है। आप किसी इंडियन दुकानदार के पास गए हो और 500 बार चीज़ निकलवाएंगे, आपको दिखाएगा, आप लें या ना लें वो बात की बात है, वो बड़ा अच्छा बिहेव होगा उसका। और पाकिस्तानी के पास चले जाओ 2 बार, यार ये दिखा दो, वो नहीं भाई ये आप किसी और जगह से ले लो, ये हाल है। लेना तो लो, नहीं तो जाओ। ये करने जाते हैं हम भाई, देख लो जी बस। जाते तो हम वर्क वीजा लेकर है ना, क्या करते हैं ये? अभी तो उन्होंने बंद कर दिया ना, बैंक से लोन लेते हैं, भाग आते हैं इधर। कितनी शॉप क्लोज पड़ी हुई है, 1-2 लाख दरम लिया, भाग आए इधर, खलास। पीछे जो उन्होंने एम्प्लॉयज बुलाए हुए हैं वो बेचारे उधर परेशान हुए हुए हैं, और उनको भी मालूम है। मैं हमारे साथ आदमी थे पाकिस्तानी, जब एयरपोर्ट से निकलते थे ना, हम तो अपनी ट्रांसपोर्ट पे आ जाते थे, वो पैदल आता था। इंडियन? उसने नहीं, पाकिस्तानी। उधर ही उसने अपना ड्रेस चेंज करना,
एयरपोर्ट पे यूनिफॉर्म चेंज करके उसने कोई भी देखा भाई यार ऐसे हो गया मेरे साथ, कोई थोड़ी भी हेल्प कर दो प्लीज़, अल्लाह आपका भला होगा, मेरे बच्चों के पास कुछ खाने पीने के भी नहीं। आपकी आंखों देखा हाल है? आंखों देखा हाल है, वो तो हम एक बार उसके पीछे गए कि यार ये करता क्या है, इधर से ड्रेस चेंज करता तो और निकल जाता है पीछे। ये तो बहुत बड़ी बात है जो आप मुझे बता रहे हैं। ऐसा इंडियन ने नहीं किया? अब नहीं, मेरे बच्चे फ्री हो गए, नहीं तो मैं आपको वो दिखाऊँ कि आप भी रोए मैं भी रो वो बेचारा वो भी रोए। इंडियन नहीं करते थे? भाई गॉड खुदा की कसम मैंने नहीं देखा किसी को, इससे बड़ी की बात है कोई नहीं देखा मैंने। बनेगा फिर हमारा? हमारा अभी बन गया ना, सब कुछ बन गया, अभी जब मुल्क का बेड़ा गर्क खत्म हो गया तो जो ट्रैफिक वालों ने शुरू कर दिए अपने फॉलो करना सब सब। वहाँ पर चोरी शिकारी में नाम आते हैं ड्रग सेलिंग में या लड़कियाँ छेड़ने में बाहर के ममालिक? हाँ हाँ आता है। इंडियंस की बात है? नहीं नहीं इंडियन का नहीं आता, होगा कोई एक आधा, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि नहीं है। आपने नहीं देखा? मैंने नहीं देखा कोई भी। आपको ज्यादा लगाओ उनके साथ था फिर वहाँ पर, कि वो आप मतलब अच्छा भी है? असल में मैं उधर एज ए सुपरवाइजर था तो मेरे साथ मेरे कोलीग थे वो सब दोस्त बन गए थे। हाँ तो हम इकट्ठे खाते पीते थे, यकीन माने आप। क्या बात कर रहे हैं? अछूत नहीं हुआ? क्यों अछूत क्यों हुआ? अभी मेरा फोन घर पे रह गया, मैं आपको दिखाता, उसकी तो मेरे को डेली काले आती, भाई आप आओ हम आपको मिस कर रहे हैं। अच्छा। बड़ी अच्छी बात है, बड़ी दोस्ती आपके साथ, बहुत शुक्रिया सर आपका।